नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं टीटीएन न्यूज 24। बुलंदशहर के सलेमपुर थाना पुलिस और एसओजी ग्रामीण टीम को मिली सफलता। पुलिस ने हरियाणा प्रांत के 110 पेटी शराब की बरामद। पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी किया गिरफ्तार। पकड़ी गई शराब की कीमत बताई जा रही है 9 लाख रुपए। सीओ शिकारपुर शोभित कुमार ने घटना का किया खुलासा। जो पकड़ा गया आरोपी है, आगामी लोकसभा चुनाव और त्योहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अपराध पर प्रभावी कार्यवाही करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलंदशहर के निर्देशन में सघन चेकिंग अभियान जारी है, जिसके क्रम में एक प्राप्त अभिसूचना के आधार पर कल रात यानी कि 5/6/2024 की रात्रि को थाना सलेमपुर टीम और देहात की स्वाट टीम को एक सफलता मिली है, जिसमें कि ग्राम जटपुरा के पास एक पानी की टंकी है थाना सलेमपुर में, जहां से 110 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। वहीं से एक अभियुक्त जिसका नाम हीरालाल कामत पुत्र बच्चालाल कामत, यह ग्राम हर्री थाना मरोना जनपद सुपौल बिहार का रहने वाला है, इसकी गिरफ्तारी भी वहीं से हुई है। एवं इसके पूछताछ जब की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि इसका एक साथी है दिनेश, जो कि जिला नरपतगंज बिहार का रहने वाला है। वर्तमान में यह छिपियाना जिला गौतम बुद्ध नगर में रह रहा है। इसके द्वारा इसे लाया गया था और इसको शराब की निगरानी के लिए बिठाया गया था। वह स्वयं एक गाड़ी लेने कि इसको डिस्पोज करने के लिए गाड़ी लेने के लिए चला गया था। वो इस मुकदमे में वांछित किया गया है। बरामदगी के और अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में एक मुकदमा 44/24 थाना सलेमपुर पर अंतर्गत धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। अच्छा सर, शराब की जो कीमत है लगभग कितनी है? अनुमानित कितनी कीमत है सर? यह लगभग इसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए है और यह अंग्रेजी शराब है हरियाणा मार्का की। अच्छा सर, जिस तरह से शराब पकड़ी गई है तो क्या लगता है कि ये शराब चुनाव को लेकर लाई जा रही थी कि या होली के त्यौहार जैसे तरह से आ रहा है उसको लेकर? पूछताछ में ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि इनका त्यौहारों के चलते होली का और शिवरात्रि का त्यौहार है, आगामी चुनाव भी है, इनको ब्लैक मार्केटिंग करके इसको कीमत से अधिक मूल्य पर बेचकर आर्थिक लाभ कमाने का इनका उद्देश्य था। तो सर, किस तरह का अपराधी है? इससे पहले भी और इस तरह के काम किए हैं क्या? और नहीं, इसका कोई भी आपराधिक इतिहास हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अग्रिम पूछताछ और इसमें जांच जारी है।